जयमर लगा हुआ है, नीतीश जी बोलते हैं जयमर, और जयमर से कोई काम नहीं करता है, मोबाइल से आउट हो जाता है, ये कैसा सरकार है वो? सुन लीजिए कौन कौन रहता बता देते हैं। जितना कोचिंग संचालक, मुख्यमंत्री कार्यालय का अधिकारी, जितना डिप्टी सेक्रेटरी इस विभाग का, सेक्रेटरी, बोर्ड के चेयरमैन, बोर्ड का सेक्रेटरी, डिप्टी सीएम जो है उनके सेक्रेटरी। युवा नहीं परिवर्तन लाएगा, बुड्ढा लाएगा। कौन लाएगा? नीतीश कुमार परिवर्तन लाएगा। नीतीश कुमार संभल जाए। और तेजस्वी कहाँ गुमशुदा है, ढूंढ रहे हैं। ट्विटर बबुआ, कौन ट्विटर बबुआ? तेजस्वी यादव मिले, आइए, कितना मुआवजा दीजिएगा, हम सुनना चाहते हैं। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, दो और नौकरी लो, कैसा सरकार है आप ही बताइए। विपक्ष में रह करके मोदी को कोसते थे, नीतीश को कोसते थे, अब आप में लोक लाज और नीति नियति कुछ है तो आज जाइए सामने। नीतीश कुमार के कहने से क्या होता, होता सठिया हुए स्थिति में बोल दिए 10 को 20 बोल दिए। पहले क्या बोलते थे कि 10 लाख कहाँ से दोगे, बाप के घर से पैसा दोगे? अब इतना जोश में आया कि 10 को 20 बोल दिए, और उसके बाद 2000 नहीं संभल पा रहा है। एक्टिविस्ट और मैं हूँ आपके साथ अमन। जो छात्रों को एग्जाम दिए वो छात्र आज यहाँ पे मौजूद हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ये पटना कॉलेज है और ये छात्र वो छात्र हैं जो बीएसएससी का एग्जाम दिए हैं। देखिए तस्वीरों के माध्यम से, ये छात्र का जो जुटान है, ये सरकारों से गुहार है कि जो एग्जाम देते हैं वो कैंसिल कर दिया जाता है, आखिर क्यों? देखिए तो ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जिस तरह से। कौन चोर है? इतना लोग चोर है, लीक हो जाता है एग्जाम। कैसे एग्जाम से निकलिए, क्वेश्चन आपके हाथ में है तो लीक नहीं हुआ तो क्या हुआ? इतना मेहनत से विद्यार्थी ट्रेन में जाता है, धक्का खा के जाता है एग्जाम देने के लिए, और क्वेश्चन लीक हो जाता है, क्या है? क्या है? क्या है? सरकार का शासन? सरकार का शासन नहीं है, विद्यार्थी के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। अत्याचार हो रहा है? ये तो अत्याचार ही है। कैसे अत्याचार हो रहा है जी? आप 20 लाख रोजगार देंगे नीतीश कुमार, कहाँ से दे रहे हैं बोलिए ना, निकाल के देने के लिए कहाँ से दे रहे हैं रोजगार? कहाँ से दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। कहाँ से दे रहे हैं? 180 को सीट दिया है, 180 को सीट दिया है, उसमें भी धांधली, क्वेश्चन आउट, ये क्या है? धांधली हो गया तब क्वेश्चन आउट, सबके पास है क्वेश्चन। हाँ आप जो भी किया है, कहाँ से आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन कहाँ से आ गया? वायरल हो गया, वायरल हो गया। सरकार को क्या कहेंगे आप? सरकार को क्या कहेंगे? परीक्षा रद्द हो, रद्द हो, रद्द हो, रद्द हो। चलिए देखिए, ये छात्रों का हुजूम है जो यह कर रहे हैं छात्र की परीक्षा रद्द हो। देखिए सरकार बिक चुकी है, यहाँ पे जितने भीड़ देख रहे हैं, जितने भी हैं लोग, सब गरीब किसान के बाल बच्चे, हम लोग भी गरीब किसान के छात्र हैं, हम लोग बाल बच्चे, हम लोग एग्ज़ाम दिए थे बीएससीसी का, जिसमें देखिए यहाँ बिहार में क्या है कि पेपर एग्ज़ाम से पहले ही लीक हो जाता है। एक कहावत है, अभी फिल्म वेब सीरीज निकला है, बिहार में आइए ना हमारा बिहार में, यह आइए ना हमारा बिहार में, एग्ज़ाम से पहले पेपर लीक हो जाएगा। जो बात है, हम लोग बहुत शर्मिंदा है कि जो हम लोग जो छात्र, गरीब किसान के बाल बच्चे बहुत मेहनत करके पढ़ते हैं और क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम से पहले लीक हो जाती है। सो मतलब ये जितने भी सरकार को कहेंगे क्या आप? बार सरकार जब 2014 में एग्जाम हुआ बीएसएससी का, उस वक्त भी इस बार भी 25 तारीख को 10:45 में क्वेश्चन पेपर लीक हुई, और इसका अभी तक कोई अभी तक निर्णय नहीं निकला है कौन क्या, कोई अभी तक गिरफ्तार नहीं, कोई नहीं पकड़ा है। ये सबसे पहले पेपर लीक हुआ खेमनी चक में, और दूसरा आपका ये मोतिहारी में हुआ। मतलब हमेशा सरकार, कभी बीपीएससी का मामला हो, कभी रेलवे हो, हमेशा क्वेश्चन पेपर आउट कर दिए। हम लोग अब यहाँ पे यूनाइट हुए हैं, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन के, हम लोग का मांग है स्पष्ट कि क्वेश्चन एग्जाम रद्द हो जाए, एग्जाम रद्द हो और फिर से एग्जाम लिया जाए। जी हम लोग इससे बहुत ज़्यादा दुखी है, उतना कष्ट से ठंडी में जाते हैं एग्जाम देने के लिए, और एग्जाम से पहले ही पेपर वायरल होता है तो बहुत दुख होता है हम लोग को। कोई भी हाल में जो है बीएसएससी का सीबीआई जांच होना चाहिए, और तीनों शिफ्ट का पेपर रद्द होना चाहिए, हर हाल में रद्द होना चाहिए। रद्द हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और दिखा देंगे सरकार को, हर एक जिला में भी करेंगे हम लोग आंदोलन, हर एक जिला में करेंगे। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा सरकार को कि परीक्षार्थियों का सेंटर इतनी दूर दे दिया गया था इस ठंड में, उनको न रहने का जगह था, न खाने का, न पीने का, न आने का, न जाने का, इतनी
इतनी समस्याओं से जूझने के बाद भी जब स्टूडेंट को पता चलता है कि उनका क्वेश्चन पेपर आउट था, तो सोचिए उन पर क्या बीतती होगी। अब क्या करेंगे? अब हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि ये परीक्षा रद्द की जाए, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, परीक्षा रद्द करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, करेंगे तो कटक नहीं, हम लोग आंदोलन करेंगे, पूरा आंदोलन करेंगे, बिहार बंद करवाएंगे, हम लोग नीतीश कुमार घेरेंगे। लोकतंत्र है, लोगों का हम लोग है, हमारे द्वारा हमारे से शासन चलता है। नहीं कैंसिल होगा तो सरकार को कबाड़ देंगे, कबाड़ देंगे। आपसे कबड़ेगा सरकार? हम लोग से कबड़ेगा? युवा नहीं परिवर्तन लाएगा, बुड्ढा लाएगा। कौन लाएगा? नीतीश कुमार परिवर्तन लाएगा। नीतीश कुमार कहते हैं 20 लाख रोजगार देंगे। नीतीश कुमार के कहने से क्या होता? होता सठिया हुए स्थिति में बोल दिए 10 को 20 बोल दिए। पहले क्या बोलते थे कि 10 लाख कहाँ से दोगे? बाप के घर से पैसा दोगे? अब इतना जोश में आया कि 10 को 20 बोल दिए, और उसके बाद 2000 नहीं संभल पा रहा है, 2000 वैकेंसी आप ठीक से क्लियर नहीं करवा पा रहे हैं। नौटंकी है, नौटंकी से बिहार है, चाणक्य की धरती है, चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है। नीतीश कुमार संभल जाए। और तेजस्वी कहाँ गुमशुदा है? गुमशुदा है कौन? ढूंढ रहे हैं। ट्विटर बबुआ? कौन ट्विटर बबुआ? तेजस्वी यादव मिले, आइए, कितना मुआवजा दीजिएगा हम सुनना चाहते हैं। 5000 दीजिएगा। क्या तेजस्वी जी को? तेजस्वी जी को कहेंगे आपका MLC बोला कि दारू पीता है, कहाँ है, हैंगओवर नहीं उतरा है, आइए जरा, अब उतर गया होगा, 3-4 दिन हो गया, आइए देखिए, बहुत लोग आपको ढूंढ रहा है। लोक लाज बचा हुआ है, विपक्ष में रह करके मोदी को कोसते थे, नीतीश को कोसते थे, अब आप में लोक लाज और नीति नियति कुछ है तो आ जाइए सामने, अब बोल दीजिए विद्यार्थियों की कि पेपरवा कैंसिल होगा और अगली बार परीक्षा होगी तो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होगी, न केवल BSSC की बल्कि BPSSC की भी, CSBC की भी, और जितनी भी परीक्षाएं होगी बिहार की, सभी परीक्षाएं निष्पक्ष और दर्शी होगी। अगर नहीं रद्द करेंगे तो? नहीं रद्द करेंगे तो वही बोले ना, ये युवा हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने उखाड़ दिया सिकंदर को, पटना होगा खाली, पटना कॉलेज की धरती से जयप्रकाश नारायण ने हिला दिया केंद्र की सरकार को, ये वही धरती है और ये वही युवा हैं बिहार के। नीतीश जी और तेजस्वी जी तो अदना से खिलाड़ी है, इतना अदना सा, एकदम अदना खिलाड़ी है। पावर है केवल 2025 तक, आप अगर तुगलकी फरमान जारी करते रहे तो देख लीजिएगा 2025 में आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। 2025 में? हाँ, 24 में भी पूरा नाराज है जी, एकदम। हाँ भैया, चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, मर्द है, हिजड़ा नहीं है जो बोलेंगे और नहीं करेंगे। बोल रहे हैं कि अगर नहीं कैंसिल हुआ 2025 में 24 में मुंह नहीं दिखा पाइएगा तो नहीं दिखा पाइएगा। ये बिहार के युवा का आह्वान है, ये बिहार है, बिहार है। देखिए आप लोग छात्र को दहशत गर्द समझते हैं क्या? दहशत फैला रहे हैं, दहशत फैला रहा है यहाँ छात्र। क्या है सब 1000? ये गरीब किसान मजदूर ठेला रिक्शा चलाने वाला का बाल बच्चा, हाँ, जो 5-5 फुट के कमरे में बैठकर पढ़ता लिखता है सालों साल, हाँ, उसको आप मीडिया और सरकार दोनों दहशत गर्द समझते हैं तो एक बार सुन लीजिएगा कि यही पटना यूनिवर्सिटी की धरती इंदिरा गांधी की सत्ता को ख़त्म कर दी थी। और इसी पटना यूनिवर्सिटी में जब पूरा बिहार का छात्र नौजवान इकट्ठा हुआ है अपने भविष्य को लेकर, तो ये छात्र नौजवान युवा पीछे नहीं हटेगा, इस बात को याद रखिएगा, पीछे नहीं हटेगा। तेजस्वी यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को 20 लाख रोजगार देना चाहेंगे? अरे भाई, 20 लाख रोजगार पूंजीपतियों को मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा। पूंजीपति को? गरीब किसान का बाल बच्चा तो मेहनत करता है, संघर्ष करता है, उसको क्या मिला? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। सिर्फ 2000-1000 किलोमीटर परीक्षा देने जाइए, 8 साल परीक्षा का इंतजार कीजिए, और उसके बाद आपके हाथ में आता है पेपर लीक, इस बात को समझ लीजिए। अच्छा, तो ये पेपर लीक में कहीं ना कहीं सरकार के दोष भी है, होता है क्या? अरे भाई, रंजीत कुमार IAS BPSC 67 में आया था, नाम आया था, क्यों उसको गिरफ्तार नहीं किया? भाई सुन लीजिए कौन कौन रहता बता देते हैं। बता, जितना कोचिंग संचालक, बड़ा बड़ा कोचिंग संचालक, ठीक है, जितना मुख्यमंत्री कार्यालय का अधिकारी, जितना डिप्टी सेक्रेटरी इस विभाग का, सेक्रेटरी, बोर्ड के चेयरमैन, बोर्ड का सेक्रेटरी, डिप्टी CM जो है उनके सेक्रेटरी, ये लोग लगातार, ये लोग लगातार पेपर लीक में हैं। आने वाले भविष्य में एक सवाल पूछा जाएगा इन प्रतियोगिता परीक्षाओं में कि आखिर बिहार देश का कौन एक ऐसा राज्य है जहां पे
परीक्षा से पहले पत्र लीक हो जाता है, ऑप्शन में बिहार रहेगा, इस बात को आप याद रखिएगा। बिहार की यही स्थिति कर दिया यहाँ का सरकार ने, वो एनडीए की सरकार हो या महागठबंधन की सरकार हो। वो अभी चलल है ट्रेंडिंग में, जब से पेपर लीक हुआ है, खबर छपेगी अखबार में, आइए ना हमारा बिहार में। देखिए एक बात, इस बिहार में एक बात हमारी समझिए कि इस बिहार में परीक्षा से पहले ये कहा जाता है चाय के दुकान पे और टपरी पे बैठकर कि 5 लाख दो तुमको पेपर मिल जाएगा। 5 दिन पहले 5 लाख में पेपर मिल जाएगा, ये स्थिति है। मतलब नौकरी उसका हो, आप समझिए कि ये तार कितने लोगों से जुड़ा हुआ है कि चाय के टपरी पे बैठने वाला लोग अगर ये कह रहा है 5 लाख में तुमको सचिवालय का और बिहार SSC का पेपर मिल जाएगा, तो आप समझ सकते कहां से फिक्सिंग हुई होगी। बिहार में मैच फिक्सिंग से ज्यादा, देश में मैच फिक्सिंग से ज्यादा बिहार में पेपर लीक फिक्सिंग होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। नौकरी फिक्सिंग कहिए ना, बिल्कुल पेपर लीक फिक्सिंग कहिए, नौकरी फिक्सिंग कहिए। पूंजीपति वर्सेस गरीब किसान मजदूर का लड़ाई है, और ये लड़ाई जब तक नहीं जीतेंगे पीछे नहीं हटेंगे। जय मार लगा हुआ है, नीतीश जी बोलते हैं जय मार, और जय मार से कोई काम नहीं करता है, मोबाइल से आउट हो जाता है, कैसा सरकार है वो। और दूसरी बात रुको हो भाई, हम लोग सोने से पहले फलना बुक पढ़ ले, रुक्मिणी ले ले, इडोटोरिया ले ले, घटना चक्र पढ़ ले, लड़ता ही नहीं है। लेकिन वो विद्यार्थी, एक मिनट भाई, जो विद्यार्थी नीचे बैठ के यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में, देखिए वहाँ, देखिए दिखाइए, लगातार वहाँ भी मेरा भी ग्राउंड है, वहाँ हम भी पढ़ते हैं और हम लोग रात दिन पढ़ते हैं, लेकिन कोई ठिकाना नहीं। और 5 लाख 10 लाख 20 लाख 30 लाख दो और नौकरी लो, कैसा सरकार है आप ही बताइए। तो बस इसी तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, और अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।